विंड सिटी डेवलपर्स की खास पेशकश। जहांगीरपीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रूपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी, तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंड सिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। हर साल की तरह इस साल भी माह रमजानुल मुबारक के मुकद्दस मौके पर महाराष्ट्र मुंबई मलाट मालोनी गेट नंबर 8 के पास में समाज सेवा के जिम्मेदार हाजी मकसूद मुल्ला ने तकरीबन 200 गरीब खानदानों में मुकम्मल राशन किट्स तकसीम किए, जिसमें सहरी व इफ्तार में इस्तेमाल होने वाले ज़रूरी साजो सामान जैसे कि चावल, आटा, तेल, दालें और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल है। वाज़ेह नाज़रीन के समाज सेवा के जिम्मेदार हाजी मकसूद मुल्ला की जानिब से पिछले कई सालों से ये कार्य खैर के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी और फ़ख्र की बात तो ये है कि हाजी मकसूद मुल्ला, जो कि बिला तफरीक मजहब व मिल्लत रमज़ानुल मुबारक के मुकद्दस मौके पर तमाम ज़रूरतमंदों में, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, तमाम में ये राशन किट्स तकसीम करते हैं। महाराष्ट्र मुंबई में ये काम आगे भी इसी तरह से जारी व सारी रहेंगे। आइए जानते हैं इस खसूस में मुकम्मल तफसीलात। पेश है महाराष्ट्र मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख, आप देख रहे हैं 24S न्यूज़, हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़। आज मैं आया हूं मालवनी में मकसूद मुल्ला जी, जो राशन वितरण किया रमज़ान पवित्र मौके पे ज़रूरतमंदों को, इन्होंने राशन वितरण किया, जैसे शहरी का सामान है, इफ्तार का सामान है, और ये सारी चीज़ जो है इन्होंने ज़रूरतमंदों को बांटा, और ये अभी कई दिनों तक बांटते रहेंगे। और इस तरीके का कार्यक्रम मकसूद मुल्ला जी हमेशा करते हैं। तो आइए देख, भाईचारा की मिसाल भी कायम है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहते हैं, और शहरी में हिंदू भी दुकान खोलते हैं, मुस्लिम भी दुकान खोलते हैं, सब एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे से सामान भी ख़रीदते हैं, और बहुत अच्छा मालवनी मलाड में भाईचारा है। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट, कैमरामैन शादाब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई। जा रहा है, आप कब से कर रहे हैं और आज कितने लोगों को राशन दिया जा रहा है? ये रमज़ान मौके महीने के शुभ अवसर पर, यहाँ पे रमज़ान महीना अब ये पवित्र महीना माना जा रहा है, इसके लिए यहाँ पे राशन बांट रहे हैं। यहाँ पे ये हर साल यहाँ पे बढ़ता है और कई सालों से चलते आ रहा है, और इंशाल्लाह इसके आगे भी ऐसा चलते रहेगा। राशन में चावल है, शक्कर है, तेल है, सेवैयाँ है, जो घरेलू आइटम है, आटा, दाल, नमक, सब चीज़ उसमें मुहैया है। इसमें 11 आइटम है, अलहमदिल्ला जो गरीब के रोज़मर्रा घर के में काम के लग जाए वैसे चीज़ें हैं हमारे पास। राशन वितरण किया जाता है, किन लोगों को किया जाता है, क्या सर्वे किया जाता है, ज़रूरतमंदों को दिया जाता है? हमारे कार्यकर्ता और मैं भी खुद साथ में जाता हूँ, और ये लोगों को वहाँ पे घर में जाके इनके चेक करते हैं हम लोग, सही में यतीम है, बेवा है, मिस्किन है, अच्छा चेक किया जाता है, और फिर उनको हम कन्फर्म करते हैं, तो फिर उनको दिया जाता है ये राशन। यहाँ पे राशन वितरण किया जाता है, ये किसका किसका सहयोग होता है या आपके पर्सनल खर्चे? ये मेरा पर्सनल खर्चे से होता है, ये हर साल होता है, पर हमारा पर्सनल खर्चा है, इसमें किसी का सहयोग नहीं रहता है। हमारे मैन पावर, हमारे कार्यकर्ता सब मेहनत करते रहते हैं, लोगों को घर में जाके चेक करना और सब देना उनको, लेकिन ये सब पर्सनल हमारा खर्चा है। ये कितना दिन चलता है राशन? ये करीब 10-15 दिन चलता है। ये पे ये माह रमजान के मौके पे सिर्फ दे रहे हैं या हर साल देते हैं आप? ये हर साल देते रहते हैं, और बीच में भी कहीं भी ऐसा अल्लाह नहीं करे कोई हादसा हुआ है, कुछ हुआ है, तो पका हुआ अनाज और कच्चा अनाज भी हम लोग देते हैं। जैसा कि बीच में यहाँ पे 40 के रूम टूट गए थे, वो टाइम में भी हम लोग काफ़ी काम किए थे, जिधर भी तकलीफ है हम खड़े रह के लोगों के में अवेयरनेस पैदा करने का काम करते हैं और लोगों को मदद करते हैं। रोज़ाना कितने लोगों को रमज़ान किट देते हैं आप? करीब करीब रोज 30-40 लोगों को किट दिया जाता है। अच्छा, और जो ज़रूरतमंद आपके पास अगर कोई आता है, आपसे मुलाकात करता है, तो आप उनको देते हैं राशन? हाँ, जरूर देते हैं। जो आधार कार्ड देखते हैं, और कोई विधवा है तो उनका हम लोग डेथ सर्टिफिकेट लेके यहाँ जमा करते हैं और चेक करते हैं। जिस तरीके से हमने देखा है मलाड मोलोनी में भाईचारा बहुत उस पर रहता है, और यहाँ पर शहरी के इफ्तार के टाइम और शहरी का टाइम जो होता है बहुत डिफिकल्ट होता है, 3, 3:30 बजे, 5, 4 बजे हिंदू भाई दुकानें खोल के बैठते हैं मुसलमान भाइयों के लिए कि ज़रूरत के सामान ले सकें, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई के जैसा रहते हैं, और ज़रूरतमंद का सामान जो शहरी में जो किधर मिलता है, दूध, पाव, जो मलाई, ब्रेड, मस्का, जो भी चीज़ है, यहाँ के हिंदू भाई भी अपना दुकान खोल के
पब्लिक में आपस में ये दे दिया जाता है। यहाँ पे रात को रेस्टोरेंट खुला रहता है, लोग भी बाहर दुकानें लगाए रहते हैं रमजान के मौके पे, तो प्रशासन का पुलिस का कैसा सहयोग है? पुलिस का हम तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि पुलिस की तरफ से बहुत अच्छा हमको सहयोग मिलता है। ये बहुत बड़ी हमारे लिए मेहरबानी है इनके पुलिस की कि हमको पुलिस कोई तकलीफ नहीं देती है और हम भी उनको सहयोग करते हैं, वो भी हमको सहयोग करते हैं। आने वाला 24-25 को होली है, तो रमजान के महीने के साथ साथ होली भी दिन है, हिंदू भाइयों के लिए क्या कहना चाहते हैं? हम हमारे हिंदू भाई बहनों के लिए हमारे तरफ से तहे दिल से बधाई देते हैं। ये होली रंगों का त्यौहार है और आने वाले समय में हम ऐसा ही मिलजुल के मलयाली वाली सब हिंदू मुस्लिम भाई बहन सब मिलकर त्यौहार मनाएंगे और सबको एक दूसरे को सहयोग करेंगे। इस तरह अफवाह होती है कि मलयाली हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रहते हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या कोई मिसाल दिखती है आपको इस तरह की? ऐसा कोई भी मिसाल नहीं है, कोई मुसलमान हिंदू को नहीं टकराता है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं टकराता है, हालांकि सहयोग करते हैं। अभी रमजान में हमारे पास तरावी भी चलते रहती है, हम अगर किसी को बोलेंगे भाई थोड़ा तरावी भी चल रही है, हिंदू भाई को बोलेंगे आवाज़ कम करो, तो बाकायदा आवाज़ बंद कर देते हैं। तो इतना इन लोग की तरह से हमको सहयोग मिलते हैं हर चीज़ से। रमजान मुबारक के मौके पर क्या यहाँ के लोगों को मैसेज आपकी तरफ से देना चाहते हैं? हमारी तरफ से रमजान के लिए, होली के लिए सबको, हमारी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, मेरे सब कार्यकर्ता की तरफ से, सबको हमारी तरफ से तहे दिल से बधाई देते हैं और आने वाले साल भी अच्छा हम लोग अच्छे से सब मनाएंगे। सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। नाज़रीन, क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर झुर्रियों से परेशान हाल है, या फिर दांतों के मसाइल से दो चार है? तो आपके सभी मसाइल का हल रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक्स के पास मौजूद है। यहां पर बेहतरीन व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी व मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन व 100% मुकम्मल कामयाब इलाज फराहम किया जाता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे चले आए, हमारा पता है मासअप टैंक फर्स्ट लांसर, फातिमा रफी रेसिडेंसी,